अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्पेशल गोश्त का सालन। ज्यादा कोई मेहनत नहीं, ज्यादा कोई मसाले नहीं, बेसिक घर के मसालों से बनाएंगे इतना अच्छा लाल कलर का गोश्त। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। 2 बड़े चम्मच भर के हमने तेल ले लिए हैं, 1/2 चम्मच जीरा, 2 लौंग, 10 काली मिर्ची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज पत्ते तेल में डाल देंगे। सबसे पहले तेल गरम होते ही दो बड़ी प्याज को पतला और लंबा काट लेंगे और जैसे ही हमारा गरम मसाला चटक जाएगा ना, 2 प्याज डाल देंगे। हमारे मारवाड़ियों में ना ये सालन बहुत पसंद किया जाता है, बकरे का सालन लाल वाला। इसके अंदर हम कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालते, नॉर्मल घर के बेसिक मसालों से ही बनाते और माशाल्लाह इतना शौक से खाते हैं ना। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिएगा। तो प्याज को सबसे पहले गोल्डन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह से कांदे ऐसे लाल हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 किलो गोश्त डाल देंगे। गोश्त को अच्छे से हिला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छा फास्ट गैस से भूनेंगे, चलाते हुए एकदम तड़तड़ा लेते हैं हम लोग फर से। पूरा अच्छे से माशाल्लाह से तेल भी सूख गया है, गोश्त का पानी सूख गया है, तेल भी सूख रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। और यही इसी समय हम डालेंगे इसके अंदर नमक। और इसे पलहरेंगे अच्छे से तेल में। फास्ट गैस पर रखिए या मीडियम भी रख सकते हैं। अगर आप इसे फटाफट नहीं चलाते हैं तो आप मीडियम पे भी रख सकते हैं। मैं तो इसे अच्छे से फास्ट गैस पे अच्छे से इसे तड़तड़ा लेती हूँ, फिर गैस स्लो करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे हल्दी और ये जो नमक हमने गोश्त पला रहे हैं ना, इससे गोश्त के अंदर जो भी महक होगी ना सब निकल जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया हल्दी और नमक। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए जब ऐसे पूरा तेल साइड में छूट जाए ना, पूरा तेल देखिए आ गया साइड में और एकदम गोश्त की बोटियाँ तड़तड़ी गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे 4 चम्मच। तो देखिए 1 चम्मच है ये, डाल दिया अपने 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अच्छे से वापिस भूनते हैं, इसकी भुनाई करते हैं अच्छी सी। माशाल्लाह देखिए हमने मसाला डाल के इसकी भुनाई कर ली और बहुत अच्छी हो गई। देखिए तेल छूट गया। अब हम क्या करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो अपने आपको जितना तीखा पसंद हो उतना डालिए, लेकिन जो तेल आ रहा है ना इसके ऊपर डालिए, तो ये सालन का जो टेस्ट कलर है ना पूरा रेड होता है। तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाले हैं। अब हमें स्वाद के हिसाब से डालिए, वापिस भुनाई करेंगे। इस समय थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, 1 घूंट पानी डालेंगे खाली। 2 मिनट के लिए वापिस इसकी भुनाई कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से वापिस तेल छूट गया है, अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए हमने गरम मसाले डाल के और भून लिए हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी लगाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कर देंगे हम कुकर बंद और इसकी लेंगे 4 सीटी। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा तीरा आया है और लाल सब्जी हुई है। 4 सीटी हो गई थी, 10 मिनट के लिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। इसको अपनी भाप में गोश्त अच्छे से गल गया है। अब डालेंगे कोथमीर, अब करेंगे सर्व।
देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।